हे गाइस, व्हाट्सएप टू वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, आ चुका हूँ फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें आप लोग को इस टाइप की रीडिंग बहुत ही इजी स्टेप में सिखाने वाला हूँ। आरडीएक्स भाई जैसी कुछ स्टेप्स रीडिंग बहुत से लोग करना चाहते हैं, बट अपने तरीके से नहीं कर पाते होंगे। तो आज की वीडियो मेरी वीडियो पूरी वॉच करना, लास्ट तक देखना एंड आप लोग को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आरडीएक्स भाई जैसा। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप से, बैकग्राउंड में अभी कोई भी रीडिंग नहीं है, अभी ओरिजिनल फोटो देख सकते हो, उसके बाद रीडिंग वाली देख सकते हो। गाइस ये आप लोग को ओरिजिनल के बाद रीडिंग वाली दिखा रहा हूँ। क्या आप लोग भी इस टाइप की रीडिंग करना चाहते हो तो आप लोग ने सही वीडियो पे क्लिक किया एंड आपको वीडियो एंड तक देखना होगा, तभी आप कुछ इस टाइप से रीडिंग सीख सकते हो, अपने फोटो में ला सकते हो। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एंड वीडियो में नया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज ऐसा कंटेंट आप लोग को जरूर मिलेगा एंड आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देख के अपनी फोटो में एडिटिंग कर सकते हो। तो गाइस सीधे से सिंपल से अभी लाइटरूम ऐप में फोटो को ऐड कर लेना एंड इसके बाद आगे का स्टेप बहुत ही इजी स्टेप है, उसको फॉलो करो एंड यहाँ पे लाइट वाले एडजस्ट पे आ जाना। इसके बाद गाइस अभी आप लोग को क्या क्या करना होगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप आप लोग को भी यही पॉइंट अपने फोटो में अप्लाई करना होगा लाइटरूम ऐप के अंदर। एंड गाइस देख सकते हो मेरे फोटो के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से कलर ग्रेडिंग आ चुकी है, कलर एकदम फेड था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने कलर को डार्क करा है फोटो में एंड इसके बाद देख सकते हो फोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर देख सकते हो फोटो में एक लुक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग का जो डार्क इफेक्ट था थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, उसको हम लोग ने कम किया एंड बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर। इतना करने के बाद कलर वाले ऑप्शन पर आया, वाइब्रेशन को प्लस कर लिया एंड इसके बाद टेम्परेचर जो टीन रहेगा उसको एडजस्टमेंट करने के लिए आप लोग को ब्लू की साइड ले जाना होगा एंड तो यहाँ पे टीन को आप लोग को प्लस कर लेना होगा। उसके बाद मिक्स वाले ऑप्शन पर आना होगा, रेड वाले का ल्यूमिनस प्लस कर लेना होगा, ऑरेंज वाले का ल्यूमिनस प्लस कर लेंगे ब्राइटनेस के लिए होता है एंड यहाँ पे सैचुरेशन इसका माइनस कर देंगे, इसका व्हाइटनेस रहता है जो फेस पे वो आ जाता है। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को येलो वाला ऑप्शन जो मिलेगा उसको यूज करना, वो काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसका ह्यू प्लस रहेगा, सैचुरेशन माइनस रहेगा, ग्रीन टोन की रेटिंग है, तो दोनों को आप लोग को यही स्टेप अप्लाई करना होगा ग्रीन एंड यहाँ पे येलो में, तो दोनों अप्लाई कर लेना। उसके बाद स्काई ब्लू वाले पे आना, इसका सैचुरेशन प्लस रहेगा एंड यहाँ पे ह्यू माइनस रहेगा। गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो दोनों को आप लोग को इतना कर लेना होगा यहाँ पे डार्क ब्लू का भी। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को रानी वाले ऑप्शन पे भी यही स्टेप फॉलो करना होगा। उसके बाद बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर देख सकते हो इतना कर लेना। इतना करने के बाद गाइस अभी आप लोग को इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड इसके बाद यहाँ पे क्लैरिटी जो इंक्रीज करना होगा यहाँ पे आप लोग अपने फोटो में कर सकते हो। एंड इसके बाद डिजिट को भी आप लोग कुछ इस टाइप से प्लस करना, बट मेरे हिसाब से आप लोग करोगे तो गाइस आप लोग को सजेशन दे रहा हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से फोटो एडिटिंग होगी जो यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे इतना कर लेना। इतना करने के बाद गाइस अभी आप लोग को मेन पॉइंट यहाँ पे फेदर को एडजस्टमेंट कर देना होगा राउंडनेस के साथ। एंड इसके बाद यहाँ पे आप लोग को डिटेल वाले ऑप्शन पे आके शार्पिंग को प्लस कर लेना होगा बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर। देख सकते हो कुछ इस टाइप से लुक आप लोग भी अपनी फोटो में दे सकते हो। तो गाइस अभी आप लोग को फेस थोड़ा यहाँ पे डल लग रहा है, तो गाइस अभी आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना एंड मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना एंड यहाँ पे सैचुरेशन पे आना एंड इसका ल्यूमिनस जो रहेगा उसको और इंक्रीज कर देना एंड सैचुरेशन को माइनस कर देना, तो फोटो में जो आप लोग की डलनेस रहेगी वो हट जाएगी एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से ब्राइटनेस आप लोग के फेस पे जो आ जाएगी। एंड फेस पे आने के बाद गाइस इतना कर लेना बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर देख सकते हो कुछ इस टाइप से लुक हो जाएगा, आप लोग को शो करके दिखा रहा हूँ। इतना करने के बाद आप लोग को फोटो को शेयर कर लेना होगा एंड शेयर टू करने के बाद आप लोग को कहाँ पे ऐड करना होगा फोटो वो ध्यान से देखना, क्योंकि वही मैटर करता है। एंड उसके बाद जो स्मूदिंग होगी वो फेस की काफ़ी अच्छे तरीके से होगी। तो गाइस अब मेन ट्रिक आने वाली है, तो उसको भूलना मत एंड यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो में आप लोग ने ये ट्रिक मिस करी तो गाइज़ आप लोग को स्मूदिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है एंड आप लोग स्मूदिंग्स नहीं सीख पाओगे, अपनी फेस की स्मूदिंग कैसे कर सकते हैं, पिंपल कैसे ऐड कर सकते हैं एंड बैकग्राउंड में एडिटिंग जो रहेगी वो कैसे आप सही कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हो मेरे फेस पे कोई भी एडिटिंग नहीं है एंड यहाँ पे हम लोग जो एडिटिंग करने वाले फेस की स्मूदिंग के ऊपर है। तो गाइज़ अभी आप लोग देखना, मैं ये वाला टूल से डिज़ाइनर वाले ऑप्शन पे आने के बाद ये वाला टूल यूज़ किया मैंने एंड आप लोग को भी ये वाला टूल सजेस्ट कर रहा हूँ, इसको यूज़ करना है। इसकी सेटिंग आप लोग को दिखा देता हूँ, सेटिंग मैंने क्या रखा है। तो गाइज़ अभी आप लोग को सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा एंड इसके बाद स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड स्मूदेथ कर लेना होगा, फ्लो को एंड आप लोग को चेंज करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लो एंड स्ट्रेंथ दोनों इतना है, इसको आप लोग को चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा आप लोग को बता रहा हूँ। एंड कुछ इस टाइप से 4 रखना होगा एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ को आप लोग को यहाँ पे 10 रखना होगा एंड यहाँ पे 8 रख सकते हो। इतना रखने के बाद गाइज अभी आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को आइकन को बड़ा कर लेना होगा। आइकन को बड़ा करने के बाद गाइज अभी आप लोग को स्मूदिंग स्टार्ट कर देना होगा अपने फेस के ऊपर एंड देख सकते हो फेस पे काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूदिंग हो रही है। तो ये ट्रिक यूज़ करके आप लोग भी अपने फेस पे स्मूदिंग कर सकते हो फुल HD हाई क्वालिटी स्मूदिंग के साथ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो फेस को हम लोग ने जो ब्राइटनेस डाली अभी देख सकते हो, ब्राइटनेस डालने के बाद फेस को हम लोग स्मूद भी कर रहे हैं ऑटोटिक स्केच बुक में। एंड यहाँ पे बहुत से लोग भाई लोग बोलते हैं स्मूदिंग की ट्रिक लाओ, तो गाइज देख सकते हो मैं यहाँ पे आरडीएक्स भाई जैसा स्मूदिंग कर रहा हूँ। तो गाइज आप लोग भी थंबनेल में क्लिक करके देखे होंगे, मतलब
थंबनेल पे क्लिक करके आप लोग भी सीखना चाहते हो कुछ स्टेप से एडिटिंग, तो गाइज आप लोग ने सही वीडियो पे क्लिक किया है एंड आप लोग को कुछ स्टेप से स्मूदिंग सिखा रहा हूँ जो यहाँ पे मैं रियल तरीके से अपने फेस पे करता हूँ। तो गाइज आई होप वीडियो सबको अच्छी लगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो को एंजॉय करो लास्ट तक। आप लोग को फुल HD हाई क्वालिटी स्मूदिंग करने के बाद फोटो को HD में कैसे सेव किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा एंड आप लोग लास्ट में पूछते हो कैसे एडिटिंग करने के बाद फोटो को HD में सेव किया जाता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइज आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, वीडियो को एंजॉय करो एंड यहाँ पे लास्ट तक देखते रहो, मैं सॉन्ग आपको लगा देता हूँ एंड एंड तक देखते देखते आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो गाइज आई होप वीडियो सबको अच्छी लगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को